राज्यसभा में पारित हो रहे नए रोड सेफ्टी बिल के विरोध में हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी भी हुंकार भर रहे हैं, जिसको लेकर टोहाना की रोडवेज कर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने सरकार व बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रोडवेज की संयुक्त संघर्ष समिति इसके विरोध में उतर चुकी है और देश के कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार इस बिल को वापस ले, वो किसी भी कीमत पर इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। हम 7 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पेश किया हुआ है उसका हम विरोध करते हैं। अगर ये बिल पास होता है तो हिंदुस्तान में कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं बचेगी। जो ड्राइवर हैं उन पर हैवी पेनल्टी लगाई जा रही है, जो परमिट देने की कंडीशंस है उसको भी पूंजीपतियों के पक्ष में बदला जा रहा है और आम लोगों के लिए ये एक बहुत ही मतलब घातक बिल है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम अपना संचालन बंद करेंगे और केवल रोडवेज नहीं, पूरे देश के सरकारी और प्राइवेट सारे लोग इसको बंद इसके खिलाफ में स्ट्राइक कर रहे हैं। इंडेक्स एक्सप्रेस के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।